इस तरह की जैकेट पहनकर येलो कलर के अंदर जो मलबूस आपको सिक्योरिटी के लोग नजर आ रहे हैं, इनमें आपको बैंक के अंदर मुलाजमत करने वाले बैंकर भी नजर आएंगे, डॉक्टर भी नजर आएंगे, वकला भी नजर आएंगे, ताजर भी नजर आएंगे, वर्कर भी नजर आएंगे। और इन्होंने ज़ेब-ए-तन बठेला फोर्स की इन जैकेटों को अपने सीने पे सजा के इस अज़्म मुसलसल के लिए खड़े हुए हैं कि अगर मुल्क पाकिस्तान में कोई अमन चाहता है, मुल्क पाकिस्तान की कोई बका चाहता है, और मुल्क पाकिस्तान में अगर कोई हकीकी तब्दीली का ख्वाब देखना चाहता है, तो वो तब्दीली कल भी अल्लाह के नाम से शुरू हुई थी और इस तब्दीली का इख्तिताम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र फिक्र से हुआ। और ये बठेला फोर्स, ये इंकलाब बजरिया रूहानियत अल्लाह के जिक्र को गली गली कूचे कूचे आम करने के लिए, ये उस मर्दे कलंदर का पैगाम है। हमारा एजेंडा पेशे खिदमत करने लगा हूं। शहनशाह बठेला से मुंसलिक ये अंजुमन खुद्दामान औलिया बठेला शरीफ के जितने कारकुनान हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस तपती हुई गर्मी में भी बाहर रोड पे खड़े होके अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और क्योंकि बाद में मुझे वक्त नहीं शेड्यूल में होगा, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दरवाजे पे खड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस के जितने जवान हैं, चाहे उनका ताल्लुक स्पेशल ब्रांच से है, चाहे उनका ताल्लुक यूनिफॉर्म पहनने वाले हमारे इदारों से है, चाहे फायर ब्रिगेड का अमला 1122 या